पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस मध्य प्रदेश भवन की नींव रखी थी उसका कार्य पूरा हो चुका है। 1.2 एकड़ में फैले इस भवन में 110 कमरे बनाए गए हैं। ये भवन 150 करोड़ रुपए की लागत में बनकर तैयार हुआ है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। इस नए भवन में 2 फरवरी को शिवराज कैबिनेट बैठक होगी। कमलनाथ सरकार में शुरू हुआ मध्य प्रदेश भवन करीब 3 साल बाद बनकर तैयार हो गया है। इस भवन में 5-स्टार होटल जैसी सर्व सुविधाएं उपलब्ध है। यह भवन 5,889 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 110 कमरे हैं, जिसमें 2 वीवीआईपी स्वीट्स हैं व 67 डीलक्स कमरे हैं। इसके साथ ही भवन में मीटिंग हॉल, कन्वेंशन हॉल, ऑडिटोरियम, एक भोजनालय कक्ष भी है। इस नए भवन में प्रदेश की संस्कृति, महापुरुषों के जीवन, प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य समेत सांची, खजुराहो, मांडू, उज्जैन, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, ओरछा सहित महत्वपूर्ण स्थलों की छटा भी देखने को मिलेगी। इस भवन में 30 से 40 सालों की जरूरतों के हिसाब से निर्माण किए गए हैं। इसकी नींव भले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रखी हो, लेकिन इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।